अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और गर्मियाँ इन्जॉय कर रहे होंगे। इस टाइम ऑफिस से फ्री हो गया है, ठीक है ना, और घर जाने लगा है। आज का व्लॉग जो है हमारे मेरे बारे में नहीं है, ये बेसिकली हमारे एक यूट्यूबर हैं जिनके बारे में हमने बात करनी थी और जिनके बारे में मैं काफ़ी देर से बात करना चाह भी रहा था, लेकिन मुझे ना किसी वजह से टाइम मिल नहीं रहा था। यार ये बड़ा ही एक यूनिक टॉपिक है, इसके बारे में बात करनी है हमने और बहुत ही पॉपुलर हुआ है आजकल, और जो कि ना आप देखा जाए तो एथिकली भी बहुत ही मतलब ना एक गलत काम किया है किसी भी एक्स वाई ज़ेड बंदे ने। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए तो पता लग जाए आप लोगों को। अभी इस टाइम आपका भाई रुका है ज़रा ये धूप के, ताकि ज़रा व्लॉग अपना स्टार्ट कर दें। और टाइम इस टाइम हो रहा है कोई 4:15, बस हम घर जाते हैं। अभी घर जा के हम नाश्ता खाना शाना खाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर इस बारे में बात करते हैं। 1 hour later। तो यार घर हम आ गए थे, ठीक है ना, खाना शाना हमने खा लिया, अब ज़रा हम जा रहे हैं अपने पुराने घर अम्मी के पास। वहाँ ज़रा एक दफ़ा जा के ना अपना स्टूडियो देखें, या जो गोइंग टू द स्टूडियो रूम है ना उस पर तो नज़र मार रहे हैं कि उसका क्या हिसाब किताब है। यार ये काम इतना कुछ जहर लगता है ना मुझे कि आप कितने महंगे घर हैं, करोड़ों रुपये का घर है, बंदा इधर एक पाइप लगा ले या कुछ तरह का सिस्टम कर ले। नहीं जी, अगर लोगों के कपड़े गंदे करने हैं आप लोगों ने फजूल। तो हम आ गए स्टूडियो में, देखते जा रहे यार कपड़े, मुझे ना बेहतर लग रहा है उसको। बात तो सही है, साफ सफाई लगता हल्की हल्की ना हुई हुई है, और ये वही लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को, आप लोगों ने लास्ट वक्त देखा होगा ना तो ये हमने लिखा था यहाँ पर ना, अगर नहीं देखा जाके तो ब्लॉग देखें, ये तो शोर है देखें। बाकी कतरे बेहतर है, साफ सफाई हो गई है, बाहर की मेरे ख्याल से सफाई नहीं तो कोई इधर सफाई नहीं। इधर मेरा पता क्या मूड है, इधर हम वो जो ग्रीन कलर की नहीं आई हुई, क्या बोलते हैं उसे, वो जो ग्रास की तरह की प्लास्टिक ग्रास, वो हम यहाँ बिछाएंगे इस पूरे पे ना, वो वहाँ तक काट के ना उस हिसाब से, तो यहाँ पर अच्छी लगेगी लगी वो। और इसको भी या तो सारा उतरवा देंगे या उतरवाने वाला काम थोड़ा महंगा हो जाएगा अपना, इसको ना हम पेंट ही करवाएंगे सारा ना, क्योंकि बाहर हमारा इतना आना जाना होगा नहीं, ये सब थोड़ा चीज़ें पेंट होंगे, बाकी ये पर्दे वगैरह बदले जाएंगे, लेकिन मेन जो हमारा भी काम है ना वो इसका ही है, ये जो है ना पेंट का, क्योंकि पेंट इसका बहुत गंदा हुआ है। ओहो प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। बाकी इसको भी तोड़ देंगे तो तरहान तो खून पकड़ेंगे उसे, कहेंगे भाई कहते हैं ना मैं तो बना टेबल अच्छी सी एक, तो टेबल हम यहाँ लगा लेंगे या इधर ही लगा लेंगे, और इधर पीछे फाल आ जाएगा वो क्या बोलते हैं इसको, जो नियॉन साइन नहीं होते इस पर, वो आपके कुछ भी नाम वगैरह लिखा होता उसका है। चक्कर मार लिया अपने स्टूडियो रूम में, अभी अपनी हम राम पे स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पुलिस के पास, देखते हैं कि वो घर पर है कि नहीं। यार अब इंतज़ार करने के बाद बंदा मिल गया हमें, ये देखने दे रहे, हेलो हेलो कर, हेलो सही से कर बच्चे, और ये देखें खिदमत दे, और खिदमतें हो। तो फाइनली हम फ्री हो गए उनसे ना, घर आ गया। जब तक हमारा जी स्टूडियो तैयार नहीं होता तब तक जो उनसे ना हम अपना कमरे को ही अपना स्टूडियो मानते हैं, ठीक है ना। जो बहुत ज़रूरी मैंने बात आप लोगों से करनी थी ना, वो आजकल एक बहुत ही मतलब नहीं, बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर आके, जो मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यूट्यूब है ना एक, खैर यूट्यूब तो बात करते हैं, जब आप लोगों की फैमिली होती है ना एक, जो आप लोगों के बिलोंगिंग्स जो मतलब आपके आपके भाई बहन, आपके वालदा, आपके वालद साहब और जो भी मतलब आप लोगों की फैमिली होती है, चचे ताए वगैरह सब, तो वो आप लोगों के ना जब आप लोग रहते हैं तो आप लोगों की थोड़ा अटैचमेंट हो जाती है। तो उसी तरह जोनसा है, ये यूट्यूब जोनसी है ना, ये एक प्लेटफॉर्म तो है ही है, इसने काफ़ी लोगों के जोनसे ना वो घर बनाए भी हुए हैं। ये मेरी नज़र में यूट्यूब जोनसी है ना, इट्स काइंड ऑफ फैमिली। तो जब आपके किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या कोई ऐसी चीज़ जो इंसान जान बूझ के काम करे, ये जानते हुए भी कि यार ये काम गलत है, तो मेरी नज़र में ना हमें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब वो चाहे कोई छोटा मोटा मेरी तरह का यूट्यूबर हो, उसने भी अपना करियर यूट्यूब पर स्टार्ट किया हो या अभी वो स्ट्रगल कर रहा हो, या ऐसा बंदा जो ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहा है बहुत अरसे से, ठीक है ना। जैसे अब बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जिसके लिए स्पेसिफिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए है जो कि एक बहुत फेमस इंसान है और जिसके ऊपर ये वीडियो बनी हुई है ना, वो सबसे बड़ी बात है, यूट्यूबर तो है ही है वो, सबसे बड़ी बात है कि वो एक फ़ीमेल है। मैं ये बात जानता हूँ कि आप लोग ये सब जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो किसी भी जोन से ना वो तारुफ के मुताज नहीं है, ना ही वो बंदा और ना ही वो बंदी इस पर वीडियो बनी है। मैं बात कर रहा हूँ डकी भाई, और डकी भाई की जो वाइफ है उनकी,
मेरी नज़र के अंदर दे आर द मोस्ट क्यूटेस्ट कपल और फनीस्ट कपल जो मैं जिनको अपना जानता हूँ, अल्लाह उन्हें बुरी नज़र से बचाए। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ जो उनसी है ना वो हजम नहीं होती। अब हुआ क्या है, आई नो आप लोग जानते हैं, मैं काफ़ी देर से इसको ना मतलब इस पर वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मुझे तकलीफ हुई है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, ना मैं उनसे मिला हूँ, ना मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ। सिर्फ मैंने उनके व्लॉग्स देखता है डिक्की भाई के, ठीक है ना, और एक एक काफ़ी पॉइंट तक उन्होंने मुझे ना मोटिवेट भी किया है उनको देख के कि आ मैं यूट्यूब ज्वाइन करूँ। और भी बहुत एक दो लोग और भी हैं लेकिन ही इज़ वन ऑफ देम। अब आप ये स्क्रीनशॉट देखें, इस स्क्रीनशॉट के ऊपर ये डिक्की भाई की बेसिकली इंस्टाग्राम की एक पोस्ट है जिसपे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि ये कोई बगैरत इंसान है जिसने ये हरकत की है, इस तरह की उनकी उनकी वाइफ की पिक्चर या उठा के उसको एआई के थ्रू उसको डम करके ना तो उन्होंने सोशल मीडिया पे फैला दी है। अब वी ऑल नो, मैं जानता हूँ ये कि वो लड़की इस तरह की नहीं है या जो भी, मतलब हम उस पर बात नहीं करते आगे। द थिंग इज़ कि जिसने भी ये काम किया है क्या वो ये चीज़ भूल गई है कि उसके घर में कि माँ बहन नहीं है? चलो बहन है, उसकी नहीं भी है, उसकी माँ तो है ना। तो इन अब मेरे मुँह में ना यहाँ पर गालियाँ फंसी हुई हैं आके, मैं देना नहीं चाह रहा क्योंकि फिर वो आपको पता है वो उस पर आ जाते हैं सेक्शन वगैरह। लेकिन ये जो उसने काम किया है ना, ये गालियों वाला ही किया है, बल्कि उससे भी आगे वाला काम है ये, किसी की माँ बहन की इज्जत उछालना कोई अच्छी बात नहीं होती। हमारे यहाँ पे से कोई अच्छा जो सा ना वो सामने नहीं था पेशा, ये वो उस पेशे के लोग हैं कि जो घर बैठे बैठे जिनके आप तो ऐसे होते ही हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम अगले के भी ऐसे कर दें। तो जिस टाइम मैंने वो वीडियो देखी ना, उस टाइम मुझे 110% कन्फर्म था कि ये वो लड़की नहीं है जिसकी ये वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बड़ी कोई थर्ड क्लास घटिया किस्म की किसी ने होता है ना यकी लगाई थी, और ना वो सबको पता है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है, ठीक है ना। तो अब ये मैं हूँ, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, ना मैं कभी मिला उनसे, ना मेरी कभी बात हुई है, ना किसी के थ्रू मेरी इंस्टाग्राम किसी भी तरह से मेरी से बात नहीं हुई दोनों से। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि यार ये काम नहीं होना चाहिए था, ये काम जिसने भी किया है ना बड़े ही फजूल हरकत उसने की है, ठीक है ना, और उसने अपनी तरबियत बताई है। क्योंकि यहाँ पर मैं तो ये बोलता हूँ आके गालियाँ देने को चाहूँ तो मैं 100 गाल दूँ यहाँ पे, और ऐसी ऐसी गाली दूँगी उस चारे के कानों से खून निकला है। रुको जरा, सबर करो। लेकिन हमने अपने आप को गंदा नहीं करना। द थिंग इज कि अब जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो ये मकसद है कि यार हम इस मौके के ऊपर ना उस बंदे ने रिक्वेस्ट किए, पैसे तो बहुत दूर की बात है यार, द थिंग इज कि वो बंदा पता नहीं लगा था कौन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डिक्की भाई इस तरह करूँ आदमी है ना वो पकड़ लेगा बंदे को। मैं मेरे ऐसे जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, मीडियोकर यूट्यूबर हैं या जो फेमस यूट्यूबर हैं, हमारा काम बनता है। मैंने वो पोस्ट पढ़ा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए हुए थे जो सर्टिफाइड हैं, उनके भी जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनके भी और छोटे लोगों के भी, ठीक है ना, और सब लोगों ने वीडियो बनाई है। अब इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप उनका नाम लेके फेम लें, ठीक है ना, फेम लेने के और ही बड़े तरीके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस टॉपिक की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये टाइम है हमें उसके लिए जस्टिस लेने का। आई एम प्रीटी श्योर कि इसके अंदर पाकिस्तान की जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं वो इन्वॉल्व हो गए होंगी क्योंकि ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। लेकिन इसमें हमारा पार्ट ये है कि हम अपनी तरफ से इस पर या तो एक वीडियो बना लें या फिर हमें हम कोशिश करते रहें कि जब तक बंदा मिलता नहीं है वो वाला फिजिकली, क्योंकि ऐसे बंदों का एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है जो इस तरह की हरकतें हैं, और उनके घर वालों को भी पता होना चाहिए कि बंदा आपका क्या हरकत कर रहा है या बच्चा आपका क्या हरकत कर रहा है। तो यार मैंने अपना रोल अदा कर दिया है वीडियो बना के, और मैं मेरे से जहाँ तक हेल्प हो सकेगी, ठीक है, मैं यार देखो मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल छोटा यूट्यूबर हूँ आगे, ठीक है ना, मैंने अभी शुरू किया है, मेरा तो अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ हुआ। वो एक डिक्की भाई जॉनसन है ना, वो एक बहुत ही प्रो लेवल के यूट्यूबर हैं, तो अगर उनके साथ ये सोचता है ना तो हमें भी जॉनसन है ना वो इस चीज़ पर एहतियात करनी चाहिए आगे, और हमें ऐसे बंदों को एक्सपोज करना चाहिए। अब मुझे आप लोगों से, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप भी अगर आपको किसी भी तरह से पता लगता है कि यार ये इस बंदे ने ये काम किया है विद प्रूफ, ऐसे नहीं कि इस बंदे को भी कह दिया यार कि हाँ इस बंदे ने काम किया है, ठीक है ना, ऐसे वर्कशॉप भी नहीं करेगा ऑब्वियसली, तो आप उस बंदे का पता जो उनसे ना वो डिक्की भाई ने एक ईमेल दी हुई है उस पर करें विद प्रूफ। और मॉनिटरी नाम तो आप लोगों के लिए है ही है, और मेरी तरफ से आपको सल्यूट होगा जो बंदा उस तक पहुँच जाएगा या उसका पता बता देगा उन्हें। तो यार यही वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप उसके साथ एज अ फैमिली खड़े होया करें ताकि उसको थोड़ा हौसला मिल जाए और वो इस काम में लगा रहे आके, और अपना अपना ही पार्ट आप अदा करें जिस हद तक हो सकता है आपसे।
तो बस यार आज के लिए इतना ही। जो मैंने मैसेज आप लोगों को दिया है उस पर प्लीज गौर करिएगा, और जितनी हेल्प मुझसे होगी आई एम देयर फॉर यू डकी भाई एंड अरूप, और जितनी जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपको पता लगता है तो प्लीज उनकी हेल्प करें, क्योंकि इस टाइम उनको आपकी हेल्प की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।